नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, मेरी वाणी को इस जो विषय है इसमें इस मेरी वाणी को प्रारंभ करने से पहले, इसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम बाबा महारुद्र के चरणों में कोटि नमन करता हूँ, माता चंडिका के चरणों में कोटि नमन करता हूँ, उन सारे महाशक्तियों के चरणों में कोटि नमन करता हूँ जिनकी मैं पूजन वंदन करता हूँ। आज का जो विषय है ये विषय है मंत्र साधक अगर ये 5 गलतियाँ करते हैं उनके जीवन में भारी समस्या हो सकता है। एक एक करके सारे गलतियाँ बताऊँगा, लेकिन गलतियाँ तो बहुत हैं। तो आप लोग हमें पूछेंगे कि भाई तुम्हें ये कैसे पता चल गया, मैंने भी गलती की है दोस्तों, मैंने भी गलती किया है मित्रों, बहुत एक नहीं बहुत गलती किए हैं मैंने। बहुत सारे हमारे पास ईमेल आते हैं उसमें भी उनकी गलतियां पता चलता है और वो बार बार उस चीज़ को करते हैं। एक बात मैं आप सभी को सूचित कर देना चाहता हूं, आजकल कुछ लोग गलत साधना करके पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट को 20 बार पोस्ट कर रहे हैं। मैं उनको यही कहूँगा, आप कृपया मंत्र साधना चैनल से दूर रहकर कोई साइकाट्रिस्ट के पास जाके आप अपना दिमाग का इलाज कराइए या फिर आप अपने आप को संभालिए। ये काम कौन कर रहा है मुझे पता है, कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसा कमेंट किया था, मैंने उसको ब्लॉक किया है और मैं जानता हूँ उसकी वेबसाइट में पूरी उसकी डिटेल है। अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो उसके नाम पे साइबर क्राइम का जो केस उसका लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। ये काम बिल्कुल भी ना करो, ये काम बहुत गलती है। अगर तुम अपना पब्लिसिटी करना चाहते हो तो खुद की चैनल बनाओ और जो कहना है करो, लेकिन कमेंट में तुम्हारे उस 20 अननेसेसरी कमेंट के वजह से बाकी लोगों की अच्छा क्वेश्चन कहीं पे छुप जाता है, मैं देख नहीं पाता हूँ। हालांकि अब कोई भी थोड़ा सा भी गलत क्वेश्चन करेगा वो ऑटोमेटिक ही ब्लॉक हो जाएगा, इस प्रकार से सेटिंग कर दिया गया है। तो बात ऐसी है कि ये जो गलतियाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या गलती होती है। गलतियाँ तो अनेक होते हैं, गलतियों का कोई मापदंड नहीं है, हर दिन कुछ अलग अलग गलतियों से, लेकिन ये प्रमुख गलतियाँ हैं जिसको आपको कभी करना नहीं है। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, भारी आपको पीड़ा मिल सकती है। सर्वप्रथम बात है, आप कभी भी अगर मंत्र साधक हैं, मंत्र जप करते हैं तो गुरुद्रोह ना करिए। आपको किसी को आप आचार्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, उनको द्रोह ना करिए। कोई भी नया साधना करने से पहले उनके साथ विचार विमर्श करिए, उनके साथ संपर्क करिए, उनसे अनुमति लेके आप कुछ साधना को प्रारंभ करिए। गुरु को छुपा के आप जो भी बात करते हैं वो एक प्रकार की गुरुद्रोही ही होता है, क्योंकि जब आप गुरु के साथ जुड़ जाते हो आपका जीवन पूरी तरह से एक नया पद्धति शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है कोई आपका कान में मंत्र फूंक देगा, कोई आपको शक्तिपात कर देगा, क्या वही गुरु दीक्षा है? क्या वही? हाँ बिल्कुल गुरु दीक्षा है, ये मैं मानता हूँ। फिर भी अगर मान लो आप किसी आचार्य से बहुत दिनों से कुछ पूछ रहे हो, लेकिन अचानक ही आप एकदम विचलित होकर कुछ ऐसे स्टेप लेते हो जो वो तो गुरु की हृदय तो बहुत क्षमा करने में बहुत आगे रहते, पर उनके महाशक्ति बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे। वो जानते हैं कौन किस प्रकार से कर। इसीलिए साधना करते हो, अगर किसी से मंत्र लिया है, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उनके साथ निरंतर जुड़े रहने की प्रयास करो। अगर गुरुदेव व्यस्त हैं तो कुछ है तो उनका फ्री होने तक आप इंतज़ार करिए और आप उनके साथ संपर्क करिए, ताकि आप जो साधना कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी कुछ लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे पास 100-100 ईमेल आते हैं गुरु दीक्षा के लिए, लेकिन मैं गुरु दीक्षा नहीं देता हूँ। इसके कारण जो भी हो, मेरे गुरुदेव के आदेश हो या फिर कोई मेरे जो भी मन की बात है, पर मैं गुरु दीक्षा नहीं देता हूँ। लेकिन जो मंत्र आप लोगों को इस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको अगर करेंगे बाबा शिव को गुरु मान के, तो आपकी जीवन में बहुत अच्छा उन्नति हो सकता है अगर आप धर्म के राह पे चल रहे हैं। इसीलिए गुरुद्रोह ना करें। दूसरी बात है, साधना करते समय जब तक साधना पूरा ना हो, अपनी साधना की गोपनीयता को अपने इष्ट देव गुरु को छोड़कर किसी को ना बोलिए। ये बहुत लोग गलती करते हैं, जब भी कोई साधना करते हैं उनके मन में आता है कि मैं तो अब बहुत बड़ा हो गया, अब ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो इसको बताऊँगा उसको बताऊँगा। ये गलतियाँ ना करें। कुछ साधनाएँ
अति गुप्त होती है, जिसका गुप्त रहना अनिवार्य होता है। उस प्रकार से गुप्त साधनाएं जब भी करते हैं, जो गुरुदेव देते हैं वो गुह्य ही होता है, गुप्त ही होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही देते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं, देखिए मैं हमेशा महाशक्ति की बात बोलता हूँ, महाशक्तियों की साधना के बारे में बताता हूँ, और दूसरे जो साधना है उसमें मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। आप हमेशा हमारे चैनल में हनुमान चालीसा पाठ करने से क्या होगा, गणपति मंत्र जाप करने से क्या होगा, शिव जी का मंत्र जाप करने से क्या होगा, माता का मंत्र जाप करने से क्या होगा, आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, कैसी साधना करेंगे, छोटी साधना, जो छोटी साधना, हर साधना बड़ा छोटा नहीं होता है, हर साधना महान होता है, लेकिन कम समय की एक दिवसीय साधना कैसे मैंने दिया है, बहुत सारे चीज़ मैंने आप लोगों को दिया है जो आप लोग देखेंगे तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो ये बात है, आप इस प्रकार से कोई भी चीज़ का जो है उसको उजागर ना करिए जब तक आपकी साधना पूरा नहीं हो जाता, ठीक है ना। तीसरी बात है, जब आप कोई मंत्र साधना, चाहे वो गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र, जब आप उसकी प्रथम साधना करते हैं, सवालाक का अनुष्ठान करते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद उस मंत्र से मैं तो कहूँगा कि जब तक, देखो जब तक कोई आपको हानि नहीं पहुँचा रहा है तब तक आप अपने प्रोटेक्शन के लिए सोचिए ना, मैं, वो मेरा शत्रु है, ये मंत्र जब कर दूंगा वो, अगर कोई आपको प्रहार करता है तो वो प्रभु जाने आपको, आपने कैसी संस्कार आपको मिला है, क्या करेंगे, आपकी प्रभु कैसे आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। पर जो सच्चा भक्त है उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं लगता है, वो अपने आप ही माँ कहीं ना कहीं कुछ हिसाब से उसको कर देंगे, या बाबा कर देंगे, या फिर कुछ उसका दूसरा खेल हो जाएगा। तो सर्वप्रथम बात ऐसे, उस मंत्र का, जो मंत्र आपने पहले अनुष्ठान किया है उसका गलत उपयोग ना करें। अच्छा, बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को तो देख रहे हैं पर उसको शेयर जरूर करिए और लाइक ये करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये मैं कहूँगा, ये जरूर कहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म की मार्ग में चलते हुए आप लाइक सब्सक्राइब, अरे लोग तो एड चला रहे हैं अपने चैनल को उठाने के लिए कि इस हमारे चैनल को देखो, ये ज़्यादा फैलना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, पहले तो नहीं कहता था, अब तो बहुत ज़्यादा कहूँगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कहूँगा, और भी एक दो बार कह दूँगा, ठीक है ना। तो यही बात है, आपकी उस मंत्र का कभी भी मतलब जो पहले अनुष्ठान के बाद उसको ये ना करिए। बहुत सारे लोग बाबा बनने की कोशिश करते हैं, इस मंत्र से ये कर देंगे, पहले उस मंत्र को, अपनी जो मंत्र ऊर्जा आपने जाप किया है वो कुंडलिनी ऊर्जा में उसको स्थापित होने दीजिए, उसकी थोड़ा आप उसको समझे वो मंत्र कैसे कार्य। चौथी बात है, चार नंबर पॉइंट है, मंत्र साधना का जो रूल है उस रूल को आप कभी ना तोड़े। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे माँ तो माँ है कह देंगे, पर आज आसन यहाँ पे, कल वहाँ पे, कोई रेस्पेक्ट नहीं, मतलब कोई साधना को कोई रेस्पेक्ट नहीं। हाँ मुझे मिल गया है, मुझे तो गुरु मंत्र मिल गया, मुझे तो यहाँ से मिल गया, अब तो मैं महान बन गया, अब इसका क्या ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ये तो स्वयं सिद्ध है। ऐसा ना करें, साधना का एक समय रखिए, साधना का नियम मानिए, और बाकी चीज़ों को समझिए कि किस प्रकार से साधना किया जाता है। और एक गलती जो हमेशा साधक करते हैं वो होता है कि भक्त को नीचा दिखाना, भक्त का अपमान, मतलब भगवान का अपमान। कोई भी भगत है, आपने देखा होगा, जो एक 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 बार, एक दो बार, जैसे कोई माता का, बाबा का कोई गलत थंबनेल लगा रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बारे में मैंने अगर कभी एक दो, बहुत पहले डेढ़ दो साल आपने देखा है कि मैंने एक चीज़ जानबूझकर मैंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था ताकि वो चीज़ को थोड़ा कमे, लेकिन वो कुछ कमा, लेकिन कैसे कहते हैं ना, जो जन्म ही हुआ है कुछ अलग करने के लिए उसको आप सुधार नहीं सकते, इसीलिए हम अपना काम करेंगे, अब कुछ लेना देना नहीं है, जो आएगा उसको देखा जाएगा, है ना। जो आता है उसकी पूर्णतः स्वागत है, उसकी पूरी ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर कुछ गलत कमेंट करता है या फिर कुछ करता है। वरना आप किसी भी व्यक्ति के साथ, जो भगत है, जो भी भगत, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको बैठ के समझा सकते हैं, लेकिन मैं जो भगत का अपमान के बाद बोल रहा हूँ, जैसे अच्छा तुमने तो 2 लाख मंत्र किया है, मैंने 20 लाख किया है, मैं बड़ा तुम छोटा, तुम्हारे पास छोटी मूर्ति है मेरे पास बड़ी मूर्ति है, तो अच्छा तुम्हारा जो मूर्ति है वो पत्थर का है, मेरा मूर्ति चांदी का सोना का, ये होता है अहंकार, ठीक है। अहंकार किसी का नहीं रहा है, आप जानते हैं, रावण का भी नहीं रहा था, इसीलिए चाहे वो लीला हो चाहे भी कुछ भी हो, लेकिन प्रभु यही दर्शाना चाहते हैं कि अहंकार ना करो, ठीक है ना। तो ये सारे जो मुख्य इसके अलावा भी ऐसी 50 पॉइंट निकलेंगे जिसको तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो में इतना समय नहीं आएगा। और आजकल क्या होता है कि लोग के पास 10 मिनट का भी धैर्य नहीं होता है, वो वीडियो को स्पीड में करके देखते हैं। ऐसा अगर देखेंगे तो कोई बात नहीं, सेम ही आपको आवाज़ सुनाई देगा पर थोड़ा स्पीड हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जिनका कोई ट्रेन बस नहीं छूट रहा है, या फिर कोई अगर आपने फ्लाइट टिकट लिया है, अगर फ्लाइट आपकी नहीं छूट रही है, अगर शांत में घर बैठ के इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो एक
से बढ़कर ज़्यादा समय भी सुन सकते हैं। इसमें आपकी कोई हानि नहीं होगी, ना ही आपका कोई इसमें पैसा कटता है, ठीक है ना। आप इसको सुनेंगे और आपकी जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे। यही उम्मीद, यही आशा मैं आप सभी से रख रहा हूँ कि वीडियो को पूरा सुनिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। इससे ये आपकी हमारी जो बातें हैं वो बाकी साधक तक पहुँचेंगी और आप भी कुछ अच्छे कार्य में अपना योगदान कर रहे हैं। यही आशा करके मैं वीडियो को, मेरी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। फिर आगे मिलेंगे और एक नए वीडियो में। जय माई की।